लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसके जो ये आपका पीले रंग का देखिए बना हुआ है टायर टाइप ना है गोल, इसको आपने ठीक है, ये देखिए पानी इसमें अटक गया, देखिए आप देखेंगे पानी इसमें अटक गया है, पानी नीचे नहीं जा रहा है। इसमें जब प्रेशर होगा तब ये पानी आएगा। मैं इसको टेस्टर से देखिए, टेस्टर से ऐसे घुमाऊंगा तब ये देखिए जब मैंने दबाया तब गया पानी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं अगर आपके गीजर में ये लगी है NRB, ठीक है। मेरे पास कई कमेंट आई इस NRB के अंदर ऐसा होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पानी जाता है लेकिन पानी नीचे को आता नहीं है। आज से पहले क्या होता है, जो पुराने हमारे गीजर आते थे उसके अंदर का जो मैकेनिज्म इस तरह से बना रहता था, या जो पुराने गीजर हैं उनका बना रहता है कि अगर उसमें NRB नहीं भी लगी हो और आपका पानी इनलेट में पानी आपका बंद हो जाए तो आपके गीजर को कोई दिक्कत नहीं रहती, उसके अंदर जो पानी बना हुआ है उतना पानी उसमें रहता है। लेकिन जो अभी आपके डीजल गीजर आ रहे हैं उसमें क्या है दोस्तों, अगर आपका इनलेट में अगर ठंडे पानी का प्रेशर ख़त्म हो गया है या पानी आपका ख़त्म हो गया है तो क्या होता है कि बैक पानी आता है और वो आपके गीजर को खाली कर देता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर किसी ने गीजर ऑन कर दिया तो आपका एलिमेंट जल जाता है। इसलिए आजकल जो नए गीजर हैं उनमें NRB का लगना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि अगर आपके घर में प्रेशर कम है, एक तो ऑलरेडी आपके घर में प्रेशर कम है पानी का, ऊपर से NRB अगर लगी है तो प्रेशर और कम हो जाता है, क्योंकि NRB को प्रेशर चाहिए होता है थोड़ा सा। क्योंकि देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है ये, ठीक है, ये जो है जब पानी इसको धक्का मारेगा ये अंदर जाएगा तब जाके पानी आपका गीजर में चढ़ेगा। अगर आपके पानी में प्रेशर कम है तो ये इसको धक्का नहीं मार पाता है, जिसे बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जाता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं, NRB भी आपकी लगी रहेगी और आपको प्रेशर की दिक्कत भी नहीं आएगी, जितना प्रेशर आपके नल में होगा उतना प्रेशर आपके गीजर में जाएगा। तो कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक गिलास में पानी है और एक कटोरा आए हैं, पहले हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें पानी, जैसे हम यहाँ से अगर पानी डालते हैं, ये इनलेट है ठीक है, ऐसे करके लगता है, अगर यहाँ से हम पानी डालते हैं ये देखिए पानी इसमें अटक गया है, देखिए आप देखेंगे पानी इसमें अटक गया है, पानी नीचे नहीं जा रहा है। इसमें जब प्रेशर होगा तब ये पानी आएगा। मैं इसको टेस्टर से देखिए, टेस्टर से ऐसे घुमाऊंगा तब ये देखिए जब मैंने दबाया तब गया पानी। और सेम इसका ये रहता है, अगर आपके गीजर में पानी ख़त्म, अगर आपके नल में पानी ख़त्म हो गया है तो ये देखिए ये पानी नीचे नहीं आता है, जब हम इसको यहाँ से दबाएंगे तभी पानी आपका बैक आएगा, इसलिए NRB लगाई जाती है। अब हम NRB के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपका NRB काम भी करेगी और जब प्रेशर नहीं होगा तब भी आपका पानी जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहाँ से वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपने करना कुछ नहीं, देखिए टेस्टर लीजिए ठीक है। यहाँ पे इसके जो ये आपका पीले रंग का देखिए बना हुआ है टायर टाइप ना है गोल, इसको आपने ठीक है क्लॉकवाइज इसको घुमाइए, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको हम बाहर निकाल देते हैं ऐसे, देखिए ये घूम जाता है, इसको आपने उल्टा, सॉरी इसको ऐसे उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में इसको घुमाएंगे ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये देखिए बाहर निकल गया है ठीक है, ये बाहर निकल गया है। उसके बाद से आपने क्या करना है दोस्तों, इसका स्प्रिंग को निकाल लेना है, इसका जितना भी सामान है देखिए सारा निकल गया है, इसका स्प्रिंग निकाल के अलग कर देना है ठीक। उसके बाद से आपने इसको ऐसे ही फिट कर देना है, इसमें जैसे लगा हुआ था ऐसे आपने इसको लगा लेना है, इसको नीचे की तरफ करके ऐसे ठीक है, इसको ऐसे आप लगा लेंगे। और ये जैसे कि देखिए इसके अंदर टेढ़ा फिट जाएगा, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है ठीक है। उसके बाद से आपने इस ये जो रिंग है इसको दोबारा आपने इसमें लगा लेना है ठीक है। अब इसको आप जैसे चूड़ी कसते हैं वैसे इसको आपने कसना है क्लॉकवाइज ठीक है, ये देखिए ये देखिए दोस्तों पूरा ये आपका कस गया है। अब देखिए अब हम देखेंगे, देखिए अब हमारे पास पानी है ठीक
ठीक है, यहाँ से पानी हमारे ऊपर को जाता है, अब इसमें पानी डालेंगे हम। पानी नहीं रुक रहा है, ठीक है, लेकिन एनआरबी आपकी काम करेगी। अभी हमने एनआरबी सीधी लगा ली है, यहाँ से पानी जाता है, वो ऊपर से पानी नीचे को आता है। एनआरबी का काम केवल है पानी को रोकना, ये है नॉन रिटर्न वाल्व। एनआरबी कई प्रकार की आती हैं और कई जगह पर एनआरबी लगती हैं। अब हम देखिए यहाँ से पानी डालेंगे, देखिए हमारा पानी वापस नहीं जा रहा है। ये हमारा सारा काम करेगी, लेकिन बस जो आपका पानी का प्रेशर कम है तो उसमें कंडीशन में भी इसमें पानी आप चले जाएगा, क्योंकि हमने स्प्रिंग निकाल दिया है। बस पानी हमारा बैग नहीं हो रहा है और वो ये काम बढ़िया तरीके से करेगी बिना स्प्रिंग के भी। ये देखिए जब हम इसको नीचे दबाएंगे तभी पानी आएगा। तो आपने एक चीज़ कर देनी है, उसके बाद से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई लोग मैसेज आए थे, कई लोग फ़ोन कॉल आए थे कि सर एनआरबी होने की वजह से हमारे गीजर में प्रेशर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए ज़रूर, ठीक है, नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे एंटिक वीडियो लाते रहता हूँ। क्योंकि हमारे चैनल में एंटरटेनमेंट नहीं होता, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम ज्ञान की बातें करते हैं, हम सिखाते हैं जितना हमको आता है। तो कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।